नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रकृति प्रकृति के अंदर हमारा जो शरीर बना है, उसके अंदर प्रकृति किसी को भी निरर्थक रूप से जिंदा नहीं रखती है। प्रकृति के अंदर कोई भी व्यक्ति, अगर वो किसी भी तरह का योगदान नहीं देता है, प्रकृति के अंदर प्रकृति को अगर किसी भी तरह का कोई भी योगदान नहीं देता है, तो प्रकृति उस व्यक्ति को नष्ट कर देती है। प्रकृति उस व्यक्ति को खुद ही नष्ट कर देती है। आप ये बात को इस तरह से समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, या 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अगर वो प्रकृति के अंदर कोई भी तरह का अपना योगदान नहीं दे रहा है, कोई भी तरह का योगदान नहीं दे रहा है, तो प्रकृति आज नहीं तो कल उसको नष्ट कर देगी। प्रकृति उसी को जीवित रखती है जो प्रकृति के अंदर नकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई ना कोई योगदान वो देता रहता है। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो पेड़ लगा रहा है, चाहे वो किसी की हिंसा कर रहा है, चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो फैक्ट्री चला रहा है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे वो भगवान की पूजा कर रहा है, चाहे वो सुबह से शाम एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी कर्म अगर वो करता रह रहा है, अगर वो कोई भी काम कर रहा है और प्रकृति के अंदर उसका कोई योगदान है, तो प्रकृति के अंदर उसका कोई योगदान है, तो प्रकृति उस व्यक्ति को जीवित रखने के लिए पूरी मदद करती है। प्रकृति उसको जीवित रखती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, उसने 100 करोड़ कमा लिया, अब उसको पूरे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो निरर्थक टाइप के होते हैं, जो ऐसा समझ लेते हैं कि मैंने इतना कमा लिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक रूम में बैठे रहते हैं, वो बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ धोखा किया है। प्रकृति जो 5 तत्व से बना शरीर है, जो 5 तत्व से बना शरीर है, 5 तत्व प्रकृति ने तुमको दिए हैं, प्रकृति ने उस व्यक्ति को दिए, प्रकृति ने उस व्यक्ति के अंदर 5 तत्व दिए, तभी उसके अंदर से जो ऊर्जा के कोष हैं, जिसमें से वायु घूम रही है, जिसके अंदर से श्वास घूम रही है, जिसके अंदर से परमात्मा बोल रहे हैं, जिसके अंदर से उसकी चेतना अवचेतन मन घूम रहा है, तो प्रकृति को जब ऐसा लगता है कि ये मेरे दिए हुए 5 तत्वों का सम्मान नहीं कर रहा है, 5 तत्व आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल 5 तत्वों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो प्रकृति धीरे धीरे अपने तत्वों को कम कर देती है, प्रकृति धीरे धीरे अपने तत्वों को खींच लेती है। प्रकृति को लगता है कि ये मेरे ऊर्जा केंद्रों को और जो मेरे दिए हुए तत्वों को प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहा है, और प्रकृति धीरे धीरे उसको कम कर देती है और वो व्यक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति का शरीर जो है, आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर जल तत्व होता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसको हार्ट के अंदर अटैक आया, अटैक आने की वजह से उसके अंदर ब्लड जो है वो सहस्त्रार चक्र यानी माथे तक पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से वो उसको हार्ट अटैक आया और व्यक्ति मर गया। तो इसके अंदर जल तत्व प्रकृति ने कम कर दिया, जल तत्व क्या हुआ यानी ब्लड का प्रेशर कम हो गया। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर उसको दिखना बंद हो जाता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, बोलते हैं कि उसको दिखाई देना बंद हो गया, तो उसके अंदर उसको ये समझा जाता है कि भी न्यूरो माथे के उधर से तंतु से जो वेसल्स है, जो नसें हैं, उसके अंदर से संदेश नहीं जा रहा है, वो उसकी रेटिना उसको पिक्चर को क्लियर नहीं। प्रकृति ने एक तत्व तो और कम कर दिया, उसको दिखना बंद हो गया, उसने चश्मा लगाया, उसने दूसरा मोतियाबिंदु का कराया, कुछ भी चीज किया है, लेकिन प्रकृति की बात को नहीं समझा। प्रकृति ने अपना एक और तत्व तो कम कर दिया। कोई भी व्यक्ति है जिसको इतना अमीर इंसान हो गया, उसके पास 100 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति हो गई, बड़ी बड़े घर हो गए, बच्चे अमेरिका में, कुछ भी, प्रकृति के अंदर उसने एक चीज का योगदान नहीं दिया, उसने सोचा कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने अपना स्वादिष्ठान चक्र, उसका वो चीज चक्र का कम कर दिया। प्रकृति ने अपना एक और तत्व कम कर दिया, पृथ्वी जो
अंदर से अंकुरित करके जो भोजन पकाती है उसने अपना वो चीज कम कर दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति को भूख लगना ही कम हो गया। बोले क्या हुआ, उनको भूख ही नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, ये इंजेक्शन लगाया, दूसरा इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने ये दवाई की, वो दवाई की, बोले भूख ही नहीं लगती है। धीरे धीरे करके व्यक्ति को प्रकृति ने अपने पास बुला लिया, बोला अब तेरी जरूरत नहीं है, प्रकृति ने ये चीज किया। जैसे जैसे कोई चीज होती है, कोई चीज के अंदर उसके पेट में आग बननी कम हो गई, बोले भूख ही नहीं लगती, आग बननी कम हो गई, उसका चक्कर धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे वो चीज हुआ। डॉक्टर बोले अभी हम क्या कर सकते हैं। तो प्रकृति उसी व्यक्ति को जीवित रखती है जो व्यक्ति चलता फिरता रहता है, जो व्यक्ति प्रकृति में अच्छा काम करे, बुरा काम करे, किसी भी तरह का काम करे, पेड़ लगाए, कोई किसी की मदद करे, कोई परिवार का लालन पालन करे, गृहस्थी चलाए, कोई भी चीज है, अगर कोई काम करता रहेगा, अगर कोई चीज के अंदर, प्रकृति के अंदर कोई योगदान देगा, तो ही प्रकृति उसको जीवित रखती है, नहीं तो प्रकृति किसी भी व्यक्ति को, निरर्थक व्यक्ति को जीवित नहीं रखती है। आप इस बात को इस तरह से समझने का कोशिश कीजिए कि आप देखेंगे कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, वो कुछ किसी लोगों का भंडारा कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, कोई पूछ रहे भाई तू क्यों खाना खिला रहा है, वो व्यक्ति इसलिए खाना खिला रहा है कि बोलता है बस मुझे इच्छा है और मैं ये खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। तो कितने लोग हैं जो कोई भी तीर्थ स्थली है, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, बनारस हो, कोई भी जगह पे वो कुछ खाना खिलाने का इस तरह से कर रहे हैं, वो खिलाते रह रहे, खिलाते रह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रकृति के अंदर उसका एक योगदान है। कम से कम 1,000 लोग, 1,500 लोग, 2,000 लोगों के पेट के अंदर जो प्रकृति ने जो अग्नि पैदा की है, वो उसके अंदर उसको शांत करने के लिए उसको भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्रकृति के अंदर उनका एक योगदान है। तो प्रकृति बोलेगी ये आदमी की हमें जरूरत है, क्योंकि ये आदमी दूसरे 2,000 लोगों को भोजन कराने का काम कर रहा है, इसलिए प्रकृति उसको जिंदा रखेगी। बात बिल्कुल सीधी है कि प्रकृति लॉ ऑफ रिलेटिविटी की तरह, साइंस की तरह, प्रकृति उसको इसलिए जिंदा रखती है क्योंकि उस वो व्यक्ति 2,000 लोगों का भोजन का व्यवस्था डेली करता है, इसकी वजह से प्रकृति उसको जिंदा रखती है। प्रकृति उस व्यक्ति को जिंदा नहीं रखती जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, प्रकृति उसको जल्दी से अपने पास बुला लेती है, उसके पांचों तत्वों को अपने पास खींच लेती है। प्रकृति ने ही पांच तत्व दिए, साइंस तो बहुत पीछे है। पांच तत्वों को प्रकृति ने दिया, प्रकृति पांच तत्वों को उसमें से ले लेती है। जैसे ही पांच तत्वों में से पांचवा तत्व चला जाता है, बोले जीव निकल गया, आकाश तत्व निकल गया, उसके अंदर से अग्नि निकल गई, उसमें से वायु निकल गई, बोले अरे वो तो गया, वो निकल गया, उसके अंदर से रमेश निकल गया। तो प्रकृति उसी व्यक्ति को जीवित रखती है, उसी व्यक्ति को जीवित रखती है, उसी पेड़ को जीवित रखती है, उसी चींटी को जीवित रखती है, उसी को जीवित रखती है जिसका कोई ना कोई प्रकृति में कोई योगदान होता है। प्रकृति के अंदर अच्छा काम करो, बुरा काम करो, कोई भी काम करो, प्रकृति को लगता है कि जब तक वो तुम कोई ना कोई प्रकृति में योगदान दे रहे हो, तो प्रकृति कहीं ना कोई चीज जिंदा रखने की कोशिश करती है। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि जो मनुष्य है या जो भी व्यक्ति है, वो अच्छा काम कर सकता है। जब वो अच्छा काम करता है तो प्रकृति और ज्यादा डिपेंडेंसी ढूंढती है कि ये व्यक्ति इस तरह का अच्छा काम कर रहा है, या ये व्यक्ति ये काम कर रहा है जिसकी वजह से इतने लोगों को लाभ पहुंच रहा है, इतने ज्यादा 10,000 पेड़ लगाए हैं, 10,000 पेड़ों को डेली पानी दे रहा है, 10,000 पेड़ों का ध्यान रख रहा है। प्रकृति बोले ये तो प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, प्रकृति के अंदर बहुत सारे, ये पेड़ के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी जी रहे हैं, ये पेड़ के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी जी रहे हैं, ये 10,000 पेड़ों की वजह से जमीन की जड़ मजबूत हो रही है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु पड़ रहे हैं। तो बोले ये व्यक्ति को तो जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो जो ऐसा बोला जाता है कि भगवान का आशीर्वाद है, प्रकृति का आशीर्वाद है, प्रकृति एक नेचर, एक साइंस है, जिसके अंदर प्रकृति ने उसको अपने पांचों तत्वों को रोक के रखा है कि नहीं तुम 80 साल तक जियोगे, तुम 100 साल तक जियोगे, क्योंकि प्रकृति जैसे ही व्यक्ति मरने भी वाला होता है तब भी इस तरह की व्यवस्था बना लेती है कि उसके बाद भी उसका काम चलता रहेगा और उसके बाद भी वो काम चलता रहता है। व्यक्ति इस अभिमान में रहता है कि नहीं वो खुद कर रहा है, जिसकी वजह से वो चीजों को बांध के रखने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि नहीं पांचों तत्वों को मैं ही देख रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आप कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी पेड़ लगाओ, कोई भी किसी जीव जंतु को खाना खिलाओ,
अपने परिवार का लालन पालन करो, आप देखेंगे कि प्रकृति आपको पूरी कोशिश करेगी जीवित रखने का। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो निरर्थक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं मैंने खूब कमा लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रकृति उसके अंदर से पांचों तत्वों को खींच लेती है। ये बिल्कुल इस तरह का हिसाब समझो कि 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक के दोनों किडनियां फेल हो जाती है, और किडनी फेल होने के बाद उन मालूम पड़ता है कि अस्पताल में 6 महीने तक रहे और मर गए। ऐसे कितने ही लोग हैं कि जो ऐसी परिस्थिति में मरे कि उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रकृति में कोई अपना योगदान नहीं दिया। राकेश झुनझुनवाला 47 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक थे, दोनों किडनियां फेल, हॉस्पिटल में पड़े रहे मरने के टाइम पे, और शेयर बाजार के बहुत दिग्गज व्यक्ति, लेकिन जब मरे तो किसी ने कोई चीज के अंदर प्रकृति ने अपने पांचों तत्व खींच लिए, प्रकृति ने पांचों तत्व खींच लिए, यानी प्रकृति को लगा कि नहीं अभी ये इनका कोई भी प्रकृति के अंदर कोई योगदान नहीं है। प्रकृति के अपने खुद मूलभूत सिद्धांत है जिसको साइंस या कोई भी मेडिकल साइंस नहीं समझ सकता है। प्रकृति के जो पांचों तत्व होते हैं वही शरीर के अंदर मुख्य हैं। ये हमारे पहले से ही हमें बताया गया है कि पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। हमारे शास्त्र और जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके अंदर ये बताया गया पांच तत्व है। तो प्रकृति जब नाराज होती है किसी व्यक्ति से, बोलते हैं इसका टाइम खराब चल रहा है, इसके साथ सब बुरा हो रहा है, तो प्रकृति के जो पांच तत्व तो प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति अपने पांचों तत्वों तो को एक एक करके कम कर लेती है। बोलते हैं उसके कमर में झुकाव आ गया है, वो झुक जाती है कमर। बोलते हैं इसके तो चश्मा आ गए हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया है। बोलते हैं इसके दांत गिर गए हैं, धीरे धीरे दांत गिरने लगे हैं। बोलते हैं इसके सर के बाल जो है व्हाइट हो रहे हैं, धीरे धीरे सर के बाल उड़ना चालू हो जाते हैं। हाथों के अंदर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। तो वो जो चीज है, प्रकृति अपने पांचों तत्वों को धीरे धीरे कम कर देती है। प्रकृति अपने पांचों तत्वों को धीरे धीरे कम कर देती है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है, बोलती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट बोलता है कि चेहरे के अंदर आपके पानी की कमी हो गई है, खूब पानी पिया करो, ब्लड की कमी हो गई है, खूब फल फ्रूट खाया करो, विटामिन की कमी हो गई है। तो विटामिन वगैरह बनाता कौन है? प्रकृति ही बनाती है। तो प्रकृति नाराज होती है, प्रकृति नाराज होने के बाद अपने पांचों तत्वों को धीरे धीरे कम कर देती है। वो पांचों तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर प्रकृति क्या करती है, हिसाब लेती है। प्रकृति हिसाब लेती है, वो पांचों तत्वों को धीरे धीरे कम होने लगते हैं। व्यक्ति वो पांचों तत्वों को एक दिशा में मैनेज करने के लिए या पांचों तत्वों को वापस प्राप्त करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्रकृति नाराज हो गई तो प्रकृति नाराज। पहले के लोग बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि पहले के लोग जंगलों की पूजा किया करते थे, जंगलों की पूजा किया करते थे। वो बोलते थे हम कुछ भी नहीं मानते, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी उसके जंगल को काटने की कोशिश करता था, प्रकृति के वो बोलते थे कि हमारी प्रकृति देवी नाराज हो जाएगी। आप बिलीव करो कि इस तरह के लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, और उनकी उनकी प्रजाति या उनके जो उनकी उधर रहन सहन की जो पद्धति होती थी, भले उनकी रहन सहन की पद्धति में पुरानी पद्धति होती थी, पुराने तरह के वातावरण होते थे, लेकिन फिर भी प्रकृति का उनके ऊपर आशीर्वाद होता था, और वो लोग 80-80, 90-90 साल तक जिया करते थे। प्रकृति के नियम के हिसाब से ही उस समय के टाइम पे भगवान या देवी देवता नहीं हुआ करते थे। उस समय वो लोग चांद और सूरज की पूजा करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सूरज से सारे पेड़ पौधों को आहार मिलता है, हमारे बॉडी को भी आहार मिलता है, और चंद्रमा है, चंद्रमा से रोशनी होती है, और चंद्रमा की रोशनी के अंदर से बहुत ज्यादा सारी की सारी औषधियां बनती हैं, और चंद्रमा की रोशनी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप ये समझिए कि उन लोगों को या पुराने टाइम के लोगों को ये मालूम था कि प्रकृति का पांचों तत्वों का बहुत महत्व है। बॉडी के अंदर से वही पांच तत्व हैं जिनको हम चक्र कहते हैं, वही पांच तत्व हैं जिनको हम चक्र की हीलिंग कहते हैं। और 7 चक्रास के अंदर हम जब वो सब चीजों को इम्बैलेंस और बैलेंस करने की बातें करते हैं, और जब हम उनको या जागृत करने की बातें करते हैं, पर प्रकृति को नाराज करके कोई भी व्यक्ति 7ों चक्रों को जागृत नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कितने ही साधु संत हैं, वो जंगल चले जाते हैं और जंगल जाके वहां पे तपस्या करते हैं, और जंगल जाके नियमित वहां पे तपस्या करते हैं। और काफी साधु संतों के बारे में आप देखेंगे कि जो भी साधु संत प्रचलित हुए हैं वो नदी के पास ही प्रचलित हुए हैं।
आप देवरवा बाबा को देखो, उनको भी नदी के पास आप तपस्या करते हुए आप पाएंगे कि वो एक ऊंचे मचान पे थे, वो भी एक नदी के पास ही में ही थे। आप दूसरे भी साधु संतों को देखेंगे ना, तो काफी हद तक वो प्रकृति को बचा के रखे थे, और वही प्रकृति की वजह से शक्तियां और ज्यादा बढ़ती हैं। और आप देखेंगे कितने ही साधु संत हैं, वो 3-3 बजे 4-4 बजे गंगा नदी के अंदर जाके डुबकी लगाते हैं और हाथ ऊपर करके भगवान को याद करके तपस्या करते हैं। और आप इस तरह से देखेंगे सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, कितने लोग हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, वो चीजें प्रकृति को बचा के रखे, प्रकृति के लिए योगदान करते हुए, जिसकी वजह से प्रकृति उनको शक्तियां प्रदान करती है, प्रकृति उनके चक्रों को जागृत करके, या प्रकृति उनके चक्रों को और पावरफुल शक्ति देती है कि जिसकी वजह से वो प्रकृति को बचा सके। तो प्रकृति के अंदर अगर जो पॉजिटिवली सही तरह से काम करता है, और प्रकृति के अंदर चार अच्छे काम करेगा, तो प्रकृति जरूर उसको जीवित रखती है। प्रकृति सिर्फ उसी व्यक्ति को जीवित रखती है जो व्यक्ति प्रकृति के अंदर कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश करता है जो प्रकृति के अंदर कुछ योगदान दे। और जो चीज के अंदर जो पूरी की पूरी जो व्यक्ति को जो शक्तियां मिलती है वो प्रकृति से ही मिलती है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं मेरे घर का सूरज लाता हूँ, मैं मेरे घर के सूरज की पूजा करूंगा। नहीं, सूरज सिर्फ एक ही है। कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं